होगी चाय के साथ क्या खाएगा? केक, रस केक या खाली केक? अच्छा होगी, इनको बिस्किट लेने का बोलूँ, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, मैं थक गया हूँ, जिसे काम करके उठे हुए थे ना, ये एक ही माउस बचा है, एक ही बचा है, इसको भी तोड़ दो। इसमें कुछ बच्चे कुछ बिस्किट हम रख देते हैं, बच्चे बच्चे, अरे हाँ देखो, खोलो खोलो, 7 नमूनों के बिस्किट हैं इसमें, जो बच गए ना इसी में डाल दो। ये देखो, जो बिस्किट बच्चे बचाते हैं ना, जाके इसमें डाल देती हूँ तो जमा हो जाते हैं। अच्छा, ये रात में केक आया था तो बच्चों ने रात में ही काट के खा लिया। ये स्वाद बेकर जहाँ से हम लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ, मैंने कहा ये भी शेयर कर लेती हूँ। ये एक मेरे पास क्रीम था रेगुलर यूज़ करने के लिए, ये मैं जब ईरान गई थी एक फ्रेंड थी उसने बताया था, तो आज मैं ले आई। मैंने कहा इसका रिज़ल्ट चेक करते हैं, वैसे मैंने फ़र्स्ट टाइम लिया है तो सामने आपको भी दिखाते हैं। रेगुलर की यूज़ के लिए आजकल गर्मी है ना, तो कोई भी क्रीम लगा नहीं पाते, लगाओ तो पसीने आते हैं। देखो इसका इस तरह कुछ रिज़ल्ट है और ये बिल्कुल जज्ब हो जाता है। ये मेरी बहन ने अभी बनवाया था, अम्मी ने ऐसे ही अपने शौक से बनवा के भेज दिया, हमसे पूछा भी नहीं था, हमसे पूछा ही नहीं, लेकिन जो है ना उसने ऐसे कपड़ा लेकर अपनी मर्जी से बनवा लिया। वैसे बहुत ही प्यारा लग रहा है, ये देखिए उसने। अभी हमने सोचा है कि हम अच्छे से जो है ना कलर्स लेके, देखिए कितने खूबसूरत कलर उन लोगों ने मैच किए, इस तरह जो है ना पूरा ये बाजुओं पे काम है, ये इस तरह, और ये बैक साइड से ऐसे करके ये ऐसे बंच बना हुआ है खूबसूरत सा। और दुपट्टा जो मैंने आपको दिखाया था पहले, ये हमने मैचिंग करके ऐसे लेस लगाई थी, और ब्राउजर अभी मैं प्रेस कर रही थी, ये सेम कलर का ही है इसके मैचिंग पे, बाकी जो है ना हमने ये वाला दुपट्टा इसके मैचिंग किया था। तो ये है हमारा देसी हैंड वर्क का काम। आज हमने जो है ना ब्रदर्स व्लॉग टाइम के लिए कुछ चीज़ें मंगाई है, लो इधर पकड़ो, हम अभी बनाएंगे चीज़ें, और ब्रदर व्लॉग्स टाइम पे जो है ना आज हम चैलेंज व्लॉग बनाएंगे। यार इतनी गर्मी की पैर शक्ल कैसी है, बिल्कुल पसंद नहीं आई मुझे, वो क्या कहते हैं तो? आज तो पसंद नहीं आए। और ये वाला ड्रेस मैंने पहन लिया था यहाँ से जब ईद पे गाँव गई थी, तो ये वाला गला कुछ मैंने ऐसे बनाया है, बोर्ड गला, और इस पे ये वाली जो आसीनों के ऊपर थोड़ी चुन्नट चल रहे हैं इस तरह, ये ऊपर फूले हुए फूल रखवाए थे, और बाकी नॉर्मल आसीन है, और यहाँ पे ये सारी ये चकोर वाली सारी पट्टी लगवा के लॉन्ग लेंथ करवाई थी मैंने। मुझे आइडिया नहीं था कि लोन पे जो है ना लॉन्ग लेंथ अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि लचक वाला कपड़ा अगर आपका हो तो उस पर लॉन्ग लेंथ अच्छी लगती है, ये बिल्कुल लोन है ना, तो लोन पे इतनी अच्छी नहीं लग रही। मेरा बहुत ही अच्छा ड्रेस है, ये अलकरम से लिया था मैंने, लेकिन जो है ना अब इसको मुझे शॉर्ट करवाना पड़ेगा, क्योंकि लोन में लॉन्ग लेंथ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही, ये ऐसे ही बस अजीब, तो ये मैंने अलकरम से लिया था। और इसके साथ मैंने ये बनाया था लॉन्ग, जो बिल्कुल प्लाजो बड़े बड़े चल रहे हैं ना, बड़े पेंचों वाले, बिल्कुल इतना बड़ा साइज़, तो ये मैंने ब्लैक कलर का, इसके साथ ब्लैक कलर का ये मैंने 2 पीस लिया था अलकरम से, फिर इसका ट्राउज़र मैंने मैच करके ब्लैक वाला इसे वो बनाया था। और ये था इसके साथ दुपट्टा, दुपट्टा इतना खूबसूरत था मेरा, मैंने इस तरह की जो है ना इसको लेस बोली थी लगाने के लिए पीको वाले को, लेकिन उसने ये वाली लेस लगा दी जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। मेरा इतना खूबसूरत दुपट्टा था और ये लेस मरी हुई बिल्कुल, तो ये ऐसे हो गया 3 पीस। तो ये ट्राउजर, तो ये हो गया ऐसे 3 पीस। मुझे इतना पसंद आई थी ये शर्ट, मैंने ली थी चीता प्रिंट, मेरा इतना दिल था कि इस पर मैं अच्छी सी लेस लगवा के जो है ना लॉन्ग लेंथ बनाऊं और ये वाला गला स्टाइल, लेकिन इतना कोई पूरा मुझे टेलर ने बना के दिया, क्योंकि मैंने आपको बताया भी था ईद पे मेरे टेलर ने मुझसे कपड़े नहीं लिए थे, मैंने एक यहाँ पे टेलर था तो उसको मैंने ये दे दी, ये देखिए इसके अंदर ये धागे हैं, तो मैंने उसको समझाया कि इस तरीके से ऑर्गेंजा लगा के तो ये करना है, तो इतनी ये लेस तो मैंने ली थी बिल्कुल ख़राब हो गई, लेकिन इतने बुरे तरीके से इसने जो है ना ऑर्गेंजा लगाया है, और ये गला तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, और ये इस तरह से मैंने इसको बोला था लॉन्ग लेंथ रख के,
तो ऐसे जो है ना डिज़ाइन बनाना है, लेकिन इसने डिज़ाइन बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनाया। ये वाला डिज़ाइन मुझे, ये कुर्ती मुझे इतनी पसंद आई थी, शर्ट मैंने बहुत ही प्यार से ली थी, और ये मैंने ब्लैक ट्राउज़र बनवाया था मुझे केप्टी स्टाइल यू फिटिंग वाला करवा के, इस तरह बनाना था। और ये देखिए इतना बड़ा पेंचा रख दिया है, जो कि मुझे यूं बनवाना था, तो ये भी मेरा कपड़ा ज़ाया कर दिया उसने। ये भी देखिए इतनी अच्छी सिल्क थी ये मेरी, लेकिन इसने मेरा पूरा जो ये ना ये ड्रेस ख़राब कर दिया था। ये वाले प्रिंट आए थे, मैं देख रही थी ड्रामों में भी ऐसे ही बड़े बड़े, मेरा इतना दिल कर रहा था मैं लूँ, मेरे हस्बैंड को इस तरह के प्रिंट बिल्कुल पसंद नहीं, तो ये वाली इस तरह की, इसमें इतनी खूबसूरत मुझे लेस मिली थी, ये लेस मुझे इतनी अच्छी लगती है, तो इसमें ये पट्टा पट्टी करा के मैंने जो है ना शलवार स्टाइल में ऐसे ये वाला ट्राउज़र लेके इस तरह का पिंक कलर का दुपट्टा लेकर पिंक कलर के गुस्से के साथ मैंने ये ना शॉर्ट शर्ट कमीज़ और जो है ना शलवार पे गुस्से के साथ ऐसे बनाया था। ये बहुत ही खूबसूरत लगता है इस तरह के दुपट्टे के साथ ना, वैसे हमेशा भी ट्राउज़र ले सकते थे, लेकिन ये बहुत ही पुराना है, मैंने सेव नहीं किया था, तो ये भी बहुत पुराना है पहने से। आज मैं प्रेस कर रही थी तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊँ। तो ये वाले सारे घर के पहनने के कपड़े हैं, अभी काफ़ी टाइम से कपड़े बना ही नहीं रही, बहुत पुराने पुराने हैं, लेकिन कुछ मैंने बनाए हैं जो कपड़े, वो यहाँ पे ये वेयर करने के सारे, अभी जो है ना मशीन लगाई थी तो कुछ आयरन करने वाले हैं उसके जो है ना एक एक डिज़ाइन, जैसे मैं दिखाती हूँ रोज़। वैसे मैं बहुत ही सिंपल ऐसे लेस लेकर, जैसे इस तरह दिखाई ऐसे लेस लेकर सिंपल कपड़े बना रही होती हूँ, मुझे इतना जो है ना किचमिच डिज़ाइन विज़ाइन बिल्कुल पसंद नहीं। लेकिन जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, अंदर बाहर आने जाने के लिए जो वेयर के होते हैं वो मैं एक मुकम्मल एक अच्छी सी वीडियो बना के जो है ना फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, लेकिन उससे पहले मैं एक एक बार पहन लूँगी, उसके बाद सारे जो है ना शेयर करती जाऊँगी। तो इस तरीके से बाकी ये सारे जो है ना ऐसे घर के पहनने के कपड़े, और बाकी जैसे प्रेस करते जाएंगे तो डिज़ाइन आपको दिखाते जाएंगे। तो इस तरीके से मैंने यूँ करके रखे हुए हैं। वैसे मेरी अम्मी आती है ना तो बहुत अच्छे से करके देती है, और हम इसे बिखेर देते हैं। ये मैं पाउच मार्केटों से आती हूँ तो मुझे आसानी लगती है, मैं आके इधर जो है ना आके अपने इधर अपने कपड़ों के ऊपर रख देती हूँ। भाई आज मेरे बच्चों की जो है ना गेम चैलेंज होने वाला है, लेकिन वो भी लोग आएगा किस पे, हमारे ब्रदर्स व्लॉग्स टाइम पे आएगा, तो अभी स्टार्ट कर रहे हैं। हमने रखी है बिरयानी, कैंडी बिस्किट, चॉकलेट, स्प्रे केचप सबसे खतरनाक वाला, और केक और जूस और कोल्ड ड्रिंक, जो चीज़ें अभी हमारे पास अवेलेबल थी, है ना ओगी। तो जी पहुंच चुके हैं यहाँ पे पौधों के शौकीन बंदे, ये मुझे पता है कितने सारे लोग कहते हैं कि आप माली से ये क्या काम क्यों नहीं करवाते। ये मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी पसंद नहीं कि वो अपने काम जो है ना, वो कहता है मुझे खुद जो जिस तरीके से मैं करता हूँ ना दिल से, इस तरीके से नहीं करता कोई, तो वो जो है ना वहाँ गाँव भी जाके इनमें खुद लगा रहता है, और यहाँ पर भी ना उसको ये बहुत पसंद है, और ये अभी अभी ऑफिस से काम करके आई, और फिर देखो अपने फूलों के साथ शुरू हो चुकी, कीड़ा लग रहा था तो उनको दे रही है दवाई, ये बल्ला है ना, ये भी आटा गूंथ के रखा है मैंने, और ये दाल बना रहे हैं आज हम चने की। ये मैंने अभी चाय बनने के लिए रखी है, और ये टाइम है इतनी गर्मी होती है दिल करता नहीं है, फिर इस टाइम ही मैं चाय बनाती हूँ खाने के साथ साथ। माशाल्लाह से जब तेज़ हवा होती है ना, ये देखो मेरा दुपट्टा भी उठ गया तेज़ हवा आती है ना ये, और ठंडी ठंडी हवाएं देती हैं मेरे पौधे, और फिर हम कैंडी के साथ अपनी चाय इंजॉय करते हैं, और साथ में एसी की गर्म हवा भी। तो फाइनली अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरा न्यू एसी लग चुका है, पहले वाला भी बिल्कुल न्यू था, लेकिन पता नहीं क्यों हमारा वो एसी बिल्कुल अच्छा नहीं निकला, बस सब अल्लाह ताला करे ये वाला अच्छा निकले। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एसी अच्छा निकल आता है, कंपनी का नहीं होता,
हमने पहले भी हायर का लगाया हुआ था, इस बार भी मेरे हस्बैंड ने ऐसे ही मंगा लिया, पता ही नहीं किया और हायर का मंगा लिया। बस अब अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारा ये एसी अच्छा निकले। और प्लीज़ प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोगों के पास हायर है तो वो कैसा चलता है। लेकिन मेरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं चला, बिल्कुल न्यू था लेकिन अच्छा नहीं निकला।